नमस्कार दोस्तों, आज का केस स्टडी हमारा टाटा पावर लिमिटेड के ऊपर है। हम इस कंपनी का डिटेल फंडामेंटल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस करेंगे। तो टाटा पावर कंपनी एक इंडियन कंपनी है जो कि बिजली के उत्पादन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में शामिल है। कंपनी के निशाने हैं रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से 80% तक क्लीन और ग्रीन पोर्टफोलियो अचीव करना 2030 तक और 2045 तक 100% तक पहुँच जाना। टाटा पावर के पास इंडिया के विभिन्न स्थानों पर थर्मल, हाइड्रो, रिन्यूएबल और वेस्ट हीट रिकवरी पावर प्रोजेक्ट से लगभग 13,985 मेगावाट का कैपेसिटी है। कंपनी वैल्यू चेन के हर सेगमेंट पर मजबूत है और रिन्यूएबल ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ कस्टमर सेंट्रिक बिजनेस पर फोकस्ड है। हाल ही में कंपनी ने इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग पॉइंट सेटअप किया है, सोलर रूफटॉप्स, अपग्रेड प्रोडक्ट्स और सोलर पंप्स के लिए ऑर्डर्स रिसीव किए हैं और सोलर यूटिलिटीज स्केल EPC के लिए ऑर्डर बुक भी किए हैं। साथ ही कंपनी ने अपने रिन्यूएबल बिजनेस को TPREL के तहत रिकॉग्नाइज किया और ब्लैकरॉक रियल एसेट से एक निवेश भी प्राप्त किया है। तो कंपनी मुंद्रा प्लांट के लिए भी सप्लीमेंट्री PPS के फाइनलाइजेशन में है। तो दोस्तों, ये जो कंपनी है ये दोनों BSE एंड NSE में आपका लिस्टेड है और मोस्टली इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटी इंडस्ट्री है, और जो कि 18 सितंबर 1919 में एस्टैब्लिश किया गया था। इसके फाउंडर दोराबजी टाटा हैं और इसका जो हेडक्वार्टर वो मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। तो इसके जो की पीपल हैं वो प्रवीर सिन्हा, जो कि इसके मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO है। इसका मोस्टली इलेक्ट्रिकल प्रोडक्शन एंड नेचुरल गैस सेक्टर में काम करती है। डिफरेंट सर्विसेज जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, नेचुरल गैस एक्सप्लोरेशन, प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में भी काम करती है। एज पर फाइनेंशियल ईयर 2022 इसका जो रेवेन्यू वो 42,576 करोड़ का है और इसका जो नेट इनकम आप 2,156 करोड़ का। ये जो फाइनेंशियल 2022 के हिसाब से ऑपरेटिंग इनकम इसका 8,119 करोड़ का है। इसका जो टोटल एसेट आज पर 2022 112,884 करोड़ का है और एक टोटल इक्विटी इसका 22,441 करोड़ का है। आज पर 2021 इसका जो नंबर ऑफ एम्प्लॉय जो 8,613 लोग हैं और इसका जो पेरेंट कंपनी वो टाटा ग्रुप ही है। और सब्सिडरीज आप देख सकते हैं, इतने सारे सब्सिडरीज जैसे कि टाटा पावर सोलर, टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड, TP सेंट्रल ओडिशा डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड, वेस्टर्न इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी ऑफ ओडिशा, नॉर्दर्न ईस्टर्न इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी ऑफ ओडिशा, TP सदर्न ओडिशा डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड, TP अजमेर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड, टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, टाटा पावर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड। तो आप यहां पर इसके देख सकते हैं, इतने सारे आपको सब्सिडरीज इसके मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसके फाइनेंशियल के ऊपर जाते हैं। तो ये जो कंपनी, इसका मार्केट कैपिटल आपका 58,763 करोड़ का है। मैं जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसका करंट प्राइस 184 में चल रहा है और ये इस ईयर में हाई 298 एंड सबसे लो 182 को गया था। और इसका जो स्टॉक भी हो 19.2 है, जो कि बहुत ही बढ़िया स्टॉक माना जाता है। बुक वैल्यू 80.4 रुपीज़ है और डिविडेंड ये 0.95% का डिविडेंड यील्ड करता है। इसका ROCE ही आपका 9.21% का है और ROE इसका 8.14% है। इसका जो फेस वैल्यू वो 1 रुपीज़ है, मतलब इन फ्यूचर बहुत कम चांस है कि इसकी जो इसका स्टॉक प्राइस स्प्लिट हो सकता है। तो दोस्तों चलिए हम इसके प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर एक नज़र डालते हैं। तो ये जो कंपनी है इज एक्सपेक्टेड टू गिव हाई क्वार्टर एंड कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 39.1% की। बहुत ही हेल्दी डिविडेंड ये अपने इन्वेस्टर को दे रहा है। इसका कॉन्स के बारे में बात किया जाए तो कंपनी हैज डिलीवर्ड ए पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 9.19% ओवर पास्ट 5 ईयर्स। शायद कोविड की वजह से ये डाटा कम दिखा रहा है। कंपनी हैज लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 5.20% ओवर लास्ट 3 ईयर, ये भी शायद कोविड की वजह से कम हो गया है। और अर्निंग इंक्लूड अदर इनकम इज 4,906 करोड़ ओनली। तो दोस्तों ये सारे इसके कॉन्स में आते हैं। चलिए इसके पीयर कंपैरिजन और उनका पी कितना है हम लोग एक नज़र डालते हैं। तो इस कंपनी का जो पीयर कंपैरिजन है वो NTPC के साथ है जिसका पी 9.69% और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन जिसका पी 10.33% का है, अदानी ग्रीन का है जिसका पी 234.36% का है, उसके बाद अदानी ट्रांसमिशन जिसका पी 106.01% का है, उसके बाद अदानी पावर 6.62 पी में चल रहा है। इसका बाद हमारा यहाँ हम लोग देखें टाटा पावर जिसका पी आपका 19.19 है एंड NHPC लिमिटेड जिसका पी 10.57% है। तो दोस्तों ये तो पीयर कंपैरिजन आप देख सकते हैं, मोस्टली कंपैरिजन अदानी ग्रुप के साथ ही है। तो इसका अगर हम लोग क्वार्टरली प्रॉफिट हम लोग देखें तो एक नज़र डाल देते हैं आपका यहाँ पर। आप देख सकते हैं फ्रॉम द मंथ ऑफ जून 2022 में इसका नेट प्रॉफिट 884 हुआ था, सितंबर 2022 में प्रॉफिट 935 करोड़ का हुआ था, दिसंबर 2022 में 1052 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। मतलब लास्ट कुछ क्वार्टर से ये लगातार अपना आप यहाँ पे देख सकते हैं। मार्च 2022 में भी प्रॉफिट 632, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रॉफिट कंटिन्यूसली ये कंपनी प्रॉफिट ग्रो कर रही है।
तो चलिए हम इसका एनुअल रिपोर्ट भी देख लेते हैं एक बार, पिछले कुछ साल में कैसे ये परफॉर्मेंस किया है। हम 2019 से इसका परफॉर्मेंस को देखते हैं किस हिसाब से ये अपने इन्वेस्टर को सॉरी ये कंपनी प्रॉफिट बनाई है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, हम लोग मार्च 2019 में देखें तो नेट प्रॉफिट 2606 करोड़ का था, मार्च 2020 में देखें तो 1316 करोड़ का था, मार्च 2021 में देखें तो 1439 करोड़ का था। ये जो प्रॉफिट शायद कोविड की वजह से ही घटा है, लेकिन जैसे ही कोविड का असर खत्म हुआ तो ये वापस अपने पिक में आ गई। और देखिए आप देख सकते हैं कि मार्च 2022 में इसका जो नेट प्रॉफिट आपका 2156 करोड़ का हुआ था, अभी मार्च 2023 भी मतलब खत्म हो रही है तो इसका भी डाटा हम कुछ ही दिन में अवेलेबल हो जाता है। तो कंपनी मोस्टली अच्छी और बढ़िया रिटर्न प्रॉफिट भी बना रही है। और आप यहां देख सकते हैं इसका जो डिविडेंड पे आउट है आपका, आप यहां देख सकते हैं मार्च 2019 में ये 15% का डिविडेंड पे किया था, 2020 में 41% का, 2021 में 44% का, मार्च 2022 में 32% का डिविडेंड भी ये अपने इन्वेस्टर को दिया था, जो कि बहुत ही अच्छा डिविडेंड माना जाता है। तो आप यहां देख सकते हैं इसका जो स्टॉक प्राइस CAGR कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, वो पिछले 5 साल का देखा जाए तो 18% का ग्रोथ ये प्रोवाइड किया है, और 10 ईयर का देखा जाए तो 7% का ग्रोथ ये अपने इन्वेस्टर को बना के दिया है। तो हम लोग देखेंगे डिटेल इसके बारे में जब हम उसका चार्ट को एनालिसिस करेंगे, तो देख पाएंगे किस तरह से आप इन्वेस्टर्स रिटर्न बनाए हैं इस स्टॉक में। तो चलिए हम लोग इसका बैलेंस शीट के ऊपर एक नज़र डालते हैं। तो दोस्तों आप यहां देख सकते हैं, हम पिछले 3 सालों में इसका लायबिलिटीज एंड एसेट के ऊपर नज़र डालेंगे। तो आप यहां देख सकते हैं मार्च 2021 में इसका जो टोटल लायबिलिटी वो 98,655 करोड़ का था, मार्च 2022 में इसका लायबिलिटी 1,12,550 करोड़ का हुआ, और सितंबर 2022 में इसका लायबिलिटी 1,21,549 करोड़ का हुआ था। तो इसका जो एसेट के बारे में बात किया जाए तो इसका जो टोटल एसेट एज पर मार्च 2021 में 98,655 करोड़ का, मार्च 2022 में एसेट 1,12,550 करोड़ का, एंड सितंबर 2022 में इसका एसेट 1,21,549 करोड़ का। मतलब इसके एसेट में कंटिन्यूसली इंक्रीमेंट हो रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा सिग्नल होता है कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। तो दोस्तों चलिए हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं, किस तरह से प्रमोटर्स का या FIIs इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का इसमें इन्वेस्टमेंट है, चलिए उसके ऊपर भी एक नज़र डालते हैं। तो मार्च 2022 से लेकर आप देख सकते हैं दिसंबर 2022 तक आपका इसके जो प्रमोटर का होल्डिंग वही सेम में बनाया हुआ है, लगभग 46.86% का होल्डिंग है। FIIs के पास इसका 9.63% का होल्डिंग है, एंड DAs के पास इसका 14.32% का होल्डिंग है, एंड गवर्नमेंट का भी 0.32%, एंड पब्लिक के पास इसका 28.87% का इन्वेस्टमेंट है। तो दोस्तों आप यहां देख सकते हैं प्रमोटर एक मेजर शेयर होल्ड करके रहा है, जो कि पॉजिटिव सिग्नल होता है कि कंपनी के मतलब कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनको भरोसा है कि हमारा ये कंपनी बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेगा, इसलिए वो मेजर शेयर पकड़ के बैठे हैं। और दूसरी नज़र से देखा जाए तो इसका जो FIIs एंड DIIs का भी कोई बुरी इन्वेस्टमेंट नहीं है, अच्छा इन्वेस्टमेंट है इस कंपनी में, जो कि पॉजिटिव थोड़ा सिग्नल देता है कि हाँ हमें इस कंपनी में आप कुछ शेयर इस कंपनी का अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। तो दोस्तों ये था डिटेल इसका फंडामेंटल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस। चलिए हम इसके चार्ट के ऊपर एक नज़र डालते हैं, मैं थोड़ा यहाँ पे रिफ्रेश कर देता हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं मैं जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसका शेयर प्राइस 184 में चल रहा है। हम इसका पिछले 1 ईयर का देखा जाए तो अभी जो प्राइस में आपको शेयर मिल रहा है वो रेगुलर प्राइस से कम ही मिल रहा है। तो आपको मेरे हिसाब से इस टाइम कुछ शेयर अपने पोर्टफोलियो में इस कंपनी का ऐड करना चाहिए, क्योंकि ये कंपनी ग्रूमिंग सेक्टर में बहुत जो सेक्टर अभी ग्रूम कर रहा है, जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल, आपका सोलर पावर प्रोडक्शन, इस सब मतलब ग्रोइंग थिंग्स में ये अपना इन्वेस्टमेंट डाल रहा है। तो इन फ्यूचर डेफिनेटली बहुत ही अच्छा इस कंपनी का ग्रो हो सकता है मेरे हिसाब से। तो कंपनी इसका कुछ स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में हम लोग को ऐड करना चाहिए। तो चलिए हम इसका 5 ईयर का रिटर्न देखें तो आप देख सकते हैं कितना बेहतर है, मतलब ऑलमोस्ट 117.75% का पिछले 5 साल में ही ये अपना इन्वेस्टर को रिटर्न बना के दिया है। मतलब जिसने पिछले 5 साल पहले 1 लाख लगाया होगा, आज के डेट में उसका पैसा ऑलमोस्ट डबल हो गया होगा। मतलब कितना बढ़िया इन्वेस्टमेंट, कितना बढ़िया रिटर्न आपने इन्वेस्टर को बना के दिया है, देख सकते हैं। 5 साल पहले इसका स्टॉक प्राइस 84 रुपीस में दिखा रहा है और आज के डेट में ये 184 मतलब 99.50 मतलब 100 रुपए का पूरा स्ट्रेट इंक्रीमेंट पर शेयर इन 5 ईयर्स, जो कि बहुत ही अच्छा और स्ट्रॉन्ग बहुत ही बढ़िया रिटर्न आपने इन्वेस्टर को बना के दिया है। पैसा ऑलमोस्ट डबल हो गया। तो इसका मैक्सिमम देखें तो 1703% का ऑल टाइम रिटर्न में आपको देख सकते हैं।
तो दोस्तों आप देख सकते हैं 1 जनवरी 1999 में इसका शेयर प्राइस 10 रुपीज़ 20 पैसा था और आज के डेट में बढ़ के 184 रुपीज़ हुआ है। तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली इसका कुछ स्टॉक आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। लेकिन हाँ, जैसे कि मैं बोलता हूँ, इन्वेस्टमेंट करने से पहले कंपनी के बारे में डिटेल रिसर्च आप खुद से कीजिए, आपको इसका बिजनेस सही से समझ में आए तो जाकर आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, कभी भी लोन लेकर इन्वेस्टमेंट ना कीजिए। और हाँ, अगर आप नए इन्वेस्टर हैं, शेयर मार्केट में एंट्री करना चाहते हैं, तो आपको डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत होगी। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से क्लिक करके अपना डिमांड एंड ट्रेडिंग अकाउंट SBI के साथ चालू कर सकते हैं। और आप हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए आपको नेक्स्ट केस स्टडी कौन से कंपनी के ऊपर चाहिए, हम उसका केस स्टडी भी हम आपके आप लोग के साथ शेयर करेंगे। और हमारा इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कीजिए, आपका वैल्यूएबल कमेंट तो जरूर दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।